सिर्फ 2 मिनट में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट परमानेंट डिलीट करने के लिए सबसे शॉर्टकट तरीका आज आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए वीडियो पूरा देखें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपने इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में आ जाना है। उसके बाद आपने इस 3 डॉट वाले आइकॉन पर प्रेस करना है। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा होगा सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का, इसके ऊपर आपने प्रेस कर देना है। उसके बाद ये सबसे टॉप पे ऑप्शन है अकाउंट सेंटर, इस पर आपने प्रेस कर देना है। यहाँ पर आपको अकाउंट सेटिंग्स के टैब में आपको ये पर्सनल डिटेल्स वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने प्रेस कर देना है। उसके बाद ये सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, इसके ऊपर आपने प्रेस कर देना है। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है डीएक्टिवेशन और डिलीशन, इस वाले ऑप्शन पे आपने प्रेस कर देना है। यहाँ पर आपने गौर करना है, फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों अकाउंट शो हो रहे हैं। आपने फेसबुक वाले प्रोफाइल पे क्लिक नहीं करना, आपने इंस्टाग्राम वाले प्रोफाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है टेम्पररी, अगर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो आपका अकाउंट टेम्पररी डिलीट हो जाएगा, मतलब आपका इंस्टाग्राम अकाउंट तब तक डीएक्टिवेट रहेगा जब तक आप वापस से लॉगिन नहीं कर लेते, इस दौरान आपका अकाउंट इंस्टाग्राम पे शो नहीं होगा। और दूसरा ऑप्शन है परमानेंट, इसको प्रेस करने के बाद आपका अकाउंट परमानेंट डिलीट हो जाएगा। तो अब आप अपने मर्जी के मुताबिक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद आपने कंटिन्यू पे प्रेस कर देना है। मैं यहाँ पर कंटिन्यू प्रेस नहीं करने वाला क्योंकि मैंने अपना अकाउंट डिलीट नहीं करना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे।